गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला कलगी धर पातशाह दा बख्शा होया फतेह दा जकरा बुलंद करिए। ओनू किसी ना चीज दी घाट रहिंदी। सच बई ओनू किसी ना चीज दी घाट रहिंदी। जेड़ा गुरु घर चल के आमदा है सिख, ओदो सिख वल गुरु दा मुंह हुंदा। जदो सिख नू फतेह बुलावदा है सिख, जेड़ा फतेह नाल है प्यार करदा ओदी आत्मा फतेह है पा जांदी। जेड़ा फतेह तो करे संकोच मसा, फतेह ओनू भी फतेह बुला जांदी, फतेह ओनू भी फतेह बुला जांदी। सदा फतेह दी जग विच जित रहंदी, फतेह संगता नाल ही पाई दिए। गुरु खालसा जी, जदो गुरु घर आइए ता फिर गच के फतेह बुलाई दिए, ता फिर गच के फतेह बुलाई दिए। सो साध संगत जी, सारे गच के आखो जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग खालसा जी, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वचन है, साच कहूं सुन लेहो सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। गुरु खालसा जी ओ समय दा जिक्र कर लगे हां, जदो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज श्री अनंतपुर साहब दी धरती ते संगतां नूं उतार रहे हन। हिंदुस्तान विचो संगतां हिंदू मुसलमान अते सिख बेहद गिनती विच अनंतपुर साहब गुरु जी दे दर्शन करन जांदियां ते इलाही आनंद मानदियां। अनंतपुर साहब तो थोड़ी ही दूर सतलुज दरिया वगदा है, जिस नूं पार कराउण वास्ते उत्थे एक बेड़ी खड़ी है। उस बेड़ी दा मला है रुकम दीन, जिन्हों सैदा मला भी कहिंदे ने। ओदी बेड़ी विच सवार होके संगतां श्री अनंतपुर साहब नूं जांदियां। जदों सतगुरां दे दर्शन करके वापस परतदियां ता सैते मला दी बेड़ी विच बैठ के गुरु जी दी इलाही सिफत सलाह दे गुण गायन करके झूम पैंदियां ते आनंद माणदियां। सैते मला दा दिल गुरु जी दी ए इलाही सिफत सलाह सुन के टुंबिया जांदा ते दिल दे विच अरजोइयां करदा, हे अल्लाह ताला दे नूर, कदों इस निमाणे निताणे गरीब नूं दर्शन होंगे। एक दिन दी गल है, सैदा मला अपनी बेड़ी लेके सतलुज दरिया दे किनारे ते बैठा सी। ओ सोचन लगा कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप खुदा दा नूर ने, किन्ना चंगा होवे जे पातशाह मैनू भी दर्शन दे जान। जिस तरह सैदा मला अपनी बेड़ी विच बैठा गुरु साहब नूं अरजोइयां कर रहा है ते उन्हां दे दर्शनां लई बहबल हो रहा है, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਤਾ
बैठा होया सैदा मला सतगुरां दा ध्यान तरके सोचदा है सैदिया किन्ना चंगा होवे जे तेनू पातशाह दा दीदार नसीब हो जाए। मन करदा कि बेड़ी दा काम छड़ के श्री अनंदपुर साहब चला जावा पर इन्ना समा नहीं। घर दे गरीबी इस गल दा संकेत दिंदी है कि जे एक दिन भी बेड़ी ते काम ना कीता तां पैसे नहीं कमा सकदा जिस नाल परिवार भुखा मर जाएगा। पुरे दी पौन चल रही है जेड़ी कि श्री अनंदपुर साहब नूं जांदी होई प्रतीत हुंदी है। सैदे मला दे दिल विच एक चेतना जागी कि यह पौन श्री अनंदपुर साहब की धरती नूं जा रही है। अपने रब नूं प्यारे नूं इस पौन दे हाथ जो सुनेहा सैदे मला ने दिता उस स्नेह भरे दृश्य नूं ढाडी जथा आप जी की सेवा विच है इहो पेश करदा है। Oh,
ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਹੀ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਕਾਠੀਆਂ ਪਾ ਲਵੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਜਾਣੀ ਜਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਬੇੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸਨ। ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੈਦੇ ਮਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੈਦੇ ਮਲਾ ਨੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਹਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿਸਦੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨੂਰ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੀ ਘੁਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪ ਚੱਪੂ ਲਾ ਕੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਘੜ ਘੜ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸੈਦੇ ਮਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਦੇ ਮਲਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਸੈਦਿਆ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ? ਸੈਦੇ ਮਲਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਨਾ ਤਰਸਦਾ ਪਿਆ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਲਾਹੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸੜਦੇ ਬਲ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਸਾਰ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੈਦਾ ਮਲਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਏ। Oh, oh, oh.
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अते सिंह बेड़ी विचों थले उतर गए। कलगीधर पातशाह ने सिंघां नूं हुकम कीता कि इसनों प्रेम दी सदर विच सानू दरिया पार करवाउण दे बदले सोने दीआं मोहरां नाल इहदी झोली भर दिओ। जथे दे मुखी सिंह ने सोने दीआं मोहरां कढ के मलाह नूं कहा कि लै इहनां नाल अपनी झोली भर लै। जदों की दरिया पार करवाउण दा किराया एक मोहर दा चौथा हिस्सा सी। सैदे मला ने सोने दीआं मोहरां ठुकरा दित्तियां अते हथ जोड़ के बड़े ही प्रेम विच आके बेनती कर लगा, हे मेरे इलाही यारा, तू भी मला ते मैं भी मला हाँ, साडे दोनों दा भाईचारा है। फर्क सिर्फ इना है कि मैं दरिया पार करवाउण दा मला हाँ ते तू इस संसार दे भव सागर नूं पार करावा के इंसान दा जन्म सफला करदा है। हे मेरे खुदा दे नूर दे यारा, जदों मैं अपनी जिंदगी भोग के इस संसार तो जावां तां तू मैनू अपने इलाही बेड़े विच बिठा के इस संसार दे भयानक समुंदर तो पार करवा के आवागौन दे गेड़े तो बचा लवी। जिवें सैदा मला गुरु साहब नूं प्रेम भरियां अरजोईयां कर रहा है उन्हां बोलां नूं ढाडी जथा आप जी दी सेवा विच है यो पेश करदा है। मेरे वर्गे मला
पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान लगे, सैद्या साडा किराया बेशक तू ना लै, पर जेड़े साडे वीर सिंघां नूं पार लंघाया है इसका प्यार तां लै लै। सैदा हथ जोड़ के बेनती कर लगा, हे सच्चे पातशाह मैनू इन्हां विच्चों भी तेरा ही नूर नज़र आउंदा है ते आप दा ही दीदार हुंदा है। मेरे हाथ किराए दियां मोहरां फड़दियां होए कंबदे ने, यह सुगात मैं नहीं लै सकता। यह दृश्य देख के इर्द गिर्द के मुसाफर अते होर बेड़ियां दे मला इकट्ठे हो गए। उन्होंने भी गुरु साहब के दर्शन किए ते सैदे मला दे प्रेम नू देख के इन्ने प्रभावित होए, कहन लगे, ए मला नहीं ए ता फरिश्ता है, जिन्हें सोने दियां मोहरां नू गुरु जी की सेवा अगे तुच्छ समझते हुए ठुकरा दिता। इस तरह का जिगरा करोड़ों इंसानों विच्चों भी किसे दा ही हुंदा है। इन्हें मोहरां ठुकरा के गुरु साहब की बख्शिश ली है। गुरु साहब मेरा दे घर विच आके सैदे मला नू उतारन लई जो प्रेम भरियां बख्शिशां कर रहे ने, उन्हां बोलां नू ढाडी जथा आप जी की सेवा विच हे जो पेशा है। Oh,
सारे अपने हृदयां विच झाती मारीए कि साडे विचों किन्नियां गणों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के चरणों का एक मुसलमान मलाह वर्गा सच्चा प्रेम है, जिस गुरु साहब ने अपने चारे सहजादे माता पिता साडे सारे दी भलाई लई कुर्बान कर दिते ते आप माछीवाड़े दे जंगलां विच रोड़ां ते लेट के अकाल पुरख दा शुकराना कीता। आओ असी भी सारे गुरु साहब दी बख्शिश लैण वास्ते अमृत छक के नाम बाणी जप के अपना जन्म सफला करिए। सो साध संगत जी, इतिहास पेश करदियां होया अनेक ही प्रकार दियां भुल्लां हो जांदियां ने। भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार। सो साध संगत जी, इनियां को बेनतियां करदियां होया संत अतर सिंह जी मस्तवाड़ा साहब वालियां दी लाई हुई फुलवाड़ी अकाल अकैडमी बड़ो साहब दियां विद्यार्थियां दा ढाडी जथा आप जी तो आग्या चाहुंदा है होइयां भुल्लां गलतियां दी खिमा बख्शणी ते सारे गच के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Mm-hmm.